हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शलखर गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बड़ी संख्या में गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। सैलाब से इलाके के सारे नदी नाले उफान पर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश से नदियां उफान पर। जौलजीबी बरम मार्ग पर नदी का बहाव तेज होने से लगातार कटाव हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तेज बारिश की वजह से पुल टूट गया, कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसी के चलते लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर। उत्तराखंड में चंपावत के टनकपुर में किरोड़ा नाले में बही स्कूल की बस। गुजरात में भारी बारिश के बाद तापी नदी पर बने उकई बांध के 22 में से 13 गेट खोलने पड़े हैं। 1,89,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। मंदसौर से लेकर इंदौर तक बारिश से बुरा हाल। मंदसौर में उबड़ खाबड़ रास्ते पर फंसे युवक को रेस्क्यू कर निकाला गया। उज्जैन में निर्माणाधीन पुलिया को पार करते समय युवक बहा था, लोगों ने बचा लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक घंटे की बारिश से शहर के 12 इलाके जलमग्न हो गए। जलभराव से सड़कें नदी बन गई, लोगों के वाहन पानी में बह गए। महाराष्ट्र में बारिश के कारण 3 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मृतकों की संख्या 105 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र के जलगांव में बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कुछ लोग सैलाब में फंस गए। घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात सभी 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र में अकोला के गांधीग्राम में पूर्णा नदी में बाढ़। नदी के पुल पर 7 से 8 फीट बह रहा है पानी। अकोला कोट सड़क बंद, प्रशासन की सफर न करने की अपील। महाराष्ट्र के वर्धा में बाढ़ से हालात बेकार। समुद्रपुर हिंगणघाट इलाके में कई गांव पानी में डूब गए। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी है। हिंगणघाट में 479 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के थाने, साकेत ब्रिज और खारेगांव ब्रिज पर गड्ढों के कारण कई जगह ट्रैफिक जाम लगा। मांझीवाड़ा से पाटलली पड़ाव तक पहुंची वाहनों की कतार। ओडिशा में भारी बारिश के बाद इस साल पहली बार हीराकुंड बांध के गेट खुले। 12 जिलों को किया गया अलर्ट। महानदी और सहायक नदियों में पानी का स्तर बढ़ेगा। निचले इलाकों में रहने वालों को नदी के पास न जाने की चेतावनी जारी। नूपुर शर्मा की नई अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में अपने ऊपर दर्ज सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। कहा, मुझे रेप और हत्या की धमकी मिल रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पीएफआई को बताया आतंकवादी संगठन। प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी ने भी सुशील मोदी की मांग का समर्थन किया। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकवादी मोहम्मद जलालुद्दीन की रिमांड लेने के लिए बिहार पुलिस आज कोर्ट पहुंचेगी। बिहार पुलिस का दावा, फुलवारी शरीफ में जलालुद्दीन के घर अहमद पैलेस में आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पटना में गिरफ्तार आतंकवादियों के समर्थन में उतरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम के बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आतंकवादियों के लिए सहानुभूति दिखाई। जांच पर भी सवाल उठा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मिला धमकी भरा पत्र। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिजनों को 1 महीने की सैलरी देने पर मिली धमकी। लेटर में कहा, पैगंबर की गुस्ताखी पर कन्हैया लाल जैसा हश्र करने की धमकी। पत्र में धमकी देने वाले शख्स ने नाम लिखा, कादिर अली राजस्थानी। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख पंजाब के संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान अपने विवादित बयान पर अड़े हुए हैं। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष हैं मान। उन्होंने भगत सिंह पर दिया था विवादित बयान। लखनऊ के लूलू मॉल में नमाज पढ़ने के 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों से पूछताछ जारी। गांधी स्मृति की पत्रिका में सावरकर की तारीफ पर विवाद। सावरकर के योगदान को महात्मा गांधी के बराबर बताया, कांग्रेस नाराज। जो आदमी बापू के खून की साजिश में शामिल था, उसका महिमा मंडन गांधी के स्मारक की प्रकाशन में किया जा रहा। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी महंगाई के मुद्दे पर सदन में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित।
संसद भवन परिसर में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। शिवसेना के संसदीय दल में टूट की आशंका है, दिल्ली पहुंच गए एकनाथ शिंदे। आज एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 12 सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल शिवाले को शिंदे गुट लोकसभा में शिवसेना नेता और भावना गवली को चीफ व्हिप बना सकता है। उद्धव ठाकरे को लग सकता है एक और बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की ट्राइडेंट होटल में हुई शिंदे गुट की बैठक में शिवसेना के 13 से 14 सांसद वर्चुअली बैठक में हिस्सा ले रहे थे। शिवसेना के नेता विनायक राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपा। पत्र में कहा गया है, विनायक राउत पार्टी के लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं, प्रतिद्वंदी गुट के किसी भी नेता के किसी याचिका को स्वीकार न किया जाए। एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। शिवसेना के प्रमुख नेता के तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुना गया। शिवसेना पक्ष प्रमुख पद को फिलहाल हाथ नहीं लगाया गया। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से मुकाबला है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए घर की तैयारी पूरी। 12 जनपद में है घर। इसी महीने 24 जुलाई को राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दिल्ली में नौसेना के कार्यक्रम स्वावलंबन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, पहले कई रक्षा सौदे सवालों के घेरे में आ जाते थे पर अब ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में भी धरना प्रदर्शन पर रोक लग सकती है। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इशारों में कहा, संसद परिसर में जिस तरीके से प्रदर्शन की इजाजत अब नहीं होगी, भविष्य में इस पर एमपी विधानसभा में विचार किया जा सकता है। राजस्थान के भरतपुर में मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह की धमकी देने वाला साधु मोबाइल टावर पर चढ़ा। कल राज्य के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह से बातचीत के बाद आत्मदाह टालने पर सहमति बन गई थी। ब्रज क्षेत्र के पहाड़ों से खनन रोकने की मांग को लेकर करीब 1.5 साल से साधु संत धरना दे रहे हैं। मुंबई में मीरा रोड पर बीजेपी नेता सुल्ताना खान पर बीच सड़क पर धारदार हथियार से हमला, पति के साथ भी गाली गलौज। सुल्ताना खान के हाथ में चोट लगी, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मुंबई के कोलाबा में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फर्जी वकील बनकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। आरोपी का नाम सलीम है, जिस पर पहले से कई मामले दर्ज। दिल्ली की रोहिणी के हैदरपुर प्लांट में सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने 3 साथियों को गोली मार दी, तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी जवान को पकड़ा, फिलहाल आपसी झगड़ा बताया जा रहा है विवाद की वजह। पैरोल मिलने के बाद चकमा देकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने 10 साल बाद गिरफ्तार किया। नाम बदलकर नजफगढ़ में रह रहा था आरोपी। 2003 में 30,000 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग के केस में गिरफ्तार हुआ था। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली में एंटी नारकोटिक सेल ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया। करोड़ों के ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियन गिरफ्तार। तस्करों से 424 ग्राम हेरोइन और 60 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग बरामद की गई। दिल्ली में इंटरस्टेट रॉबर्स गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 2 कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार। पटपरगंज में 1 युवक के अपहरण और उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एयर एशिया एयरलाइंस में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह को फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा। गिरोह पर 300 से भी ज्यादा साइबर ठगी के आरोप। देश के करीब 21 राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। आंध्र प्रदेश की चित्तूर में नकली नोट छापने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों से नकली नोट की बड़ी खेप बरामद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश उमर उर्फ गटवा को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। 1 पुलिसकर्मी भी घायल। यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लूट की अलग अलग वारदात में 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लूट का सामान भी बरामद। उत्तर प्रदेश के संभल में प्राइमरी स्कूल के टीचर पर 4थी क्लास की 11 साल की छात्रा से अश्लील हरकत और रेप की कोशिश का आरोप। पीड़ित के पिता की शिकायत पर केस दर्ज। आरोपी टीचर फरार, तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बरेली में बंदरों का आतंक है। दुनका इलाके में बंदर ने पिता के हाथ से 1 महीने के बच्चे को छीन लिया, उसे छत से गिरा दिया। बच्चे की मौके पर मौत।
उत्तर प्रदेश के एटा में सड़क हादसा। कानपुर से मेरठ जा रही रोडवेज की बस जानवर से टकराकर पलट गई। एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। 14 यात्री घायल हैं। बस में कुल 23 यात्री सवार थे। गुजरात के दाहोद में मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद 49 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। 27 ट्रेनें रद्द भी करनी पड़ी। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा हुआ। इंदौर से पुणे जा रही बस पुल से नर्मदा नदी में गिर गई। हादसे में ड्राइवर समेत 12 लोगों के शव निकाल लिए गए। 2 यात्री लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। महाराष्ट्र के पुणे में बाइक की एक शोरूम में आग लग गई। 7 इलेक्ट्रिक बाइक जलकर खाक। अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अलग अलग याचिकाओं में अग्निपथ पर फिलहाल रोक लगाने, योजना की दोबारा समीक्षा करने और उसे रद्द करने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के सांसद सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कहा, सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। सरकार अग्निवीर बना रही है या जातिवीर? सरकार का घटिया चेहरा सामने आया। लड़कियों को एनडीए में एंट्री देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछले साल सितंबर में कोर्ट ने आदेश दिया था, नवंबर में होने वाली परीक्षा में लड़कियां भी शामिल होंगी। आज कोर्ट इस बात की जानकारी लेगा कि इस दिशा में अब तक क्या हुआ है। नाराज किसानों को मनाने के लिए केंद्र का बड़ा दाव। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी और किसानों की अन्य मांगों को लेकर कमेटी बना दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने नाम नहीं भेजे। देशभर में रविवार को हुए नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा। सीबीआई ने मास्टरमाइंड समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली, फरीदाबाद सहित कई जगहों से गिरफ्तारियां हुई। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। कहा, बिना समय गवाए कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे राज्य। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,528 नए मामले सामने आए। 25 मरीजों की मौत हो गई है। 16,113 लोग ठीक होकर वापस घर लौटे। भारत अफ्रीका विकास साझेदारी पर सीआईआई एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सौर ऊर्जा समेत 4 प्रमुख क्षेत्रों में भारत अफ्रीका के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।